वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज मैं आप सबको असम के तिनसुकिया शहर के पास बोर्डोबी मंदिर में लेकर आई हूँ। इसे तिलिंगा मंदिर या घंटियों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, आपका स्वागत है तिलिंगा मंदिर में। अब मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व जरा प्रसाद और चढ़ाने के लिए पुष्प, अगरबत्ती और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घंटियाँ ले लेते हैं। चलो चलो अंदर चलें। सबसे पहले यहाँ हम जलाएंगे दिया, फूल चढ़ाएंगे, फिर लगाएंगे अगरबत्ती। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी कहानियाँ हैं, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल तो मुझे अगरबत्तियों से उठ रहे इस धुएं को देखकर अच्छा लग रहा है। ओ, मम्मी आरती कर रही हैं। चलो चलो, उस पर ध्यान देने का समय है। और अब लगाते हैं अगरबत्ती को अगरबत्ती वाले कलश में। अब चलते हैं दर्शन करने, और उससे पहले घंटियां भी चढ़ाते हैं। ओम सर्व गजानंद वोटग्राद इसमें चरण मात्र नाम इष्ट वागति दी है नाम ये ओम सर्व गोरी वन नाम मात्र नाम इष्ट वागति मात्र नाम इष्ट वागति दी है नाम ये ओम सर्व नाम वस्तु वत्ता सु का मात्र नाम इष्ट वागति दी है नाम ये मात्र नाम इष्ट वागति दी है नाम ये ओम सर्व गोरी नाम मात्र नाम इष्ट वागति दी है नाम ये ओम सर्व इष्ट वागति दी है नाम ये नाम इस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ये शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ था। इस पर अब जल चढ़ाना मना कर दिया गया, क्योंकि मंदिर के रेनोवेशन के दौरान ये पेड़ सूखने लग गया था, जिसके कारण शिवलिंग पर असर आने लग गया था। दर्शन हो गए, अब घंटी वाले मंदिर में घंटी बांधने का समय आ गया है। और ये नहीं करेंगे तो घंटी वाले मंदिर में आने में मज़ा ही क्या है। चलो चलो, सब एक एक विश मांगो। घंटी बंद गई, आशा है सबकी विशेष पूरी होगी। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नत विशेष मांगने व पूरी होने पर यहीं घंटी अवश्य बांधते हैं। अब जानते हैं मंदिर के बारे में। तिलिंगा एक ऐसमी शब्द है जिसका अर्थात
घंटी है। इस मंदिर के मुख्य आकर्षण शिवलिंग के साथ साथ घंटियां हैं। घंटियों की आवाज़ को सुनकर अलग ही शांति महसूस होती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के परिवेश में ऐसे हजारों शिवलिंग जमीन के नीचे दबे हुए हैं। कई शोधकर्ता इस पर शोध भी कर रहे हैं कि क्या ऐसा सचमुच है। उनकी रिसर्च के आने का इंतज़ार करते हैं। तब तक आगे कहानी सुनिए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक बार एक व्यक्ति इस मंदिर से पीतल की घंटियां चुराकर बेचने के लिए जा रहा था। उस व्यक्ति की मंदिर के बाहर कुछ दूर जाते ही मृत्यु हो गई। ऐसी ही कई घटनाएं होने के बाद लोगों का मानना है कि यदि कोई यहां से घंटियां चुराकर ले जाता है तो वो अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करता है। मंदिर में बंधी इन लाखों घंटियों को देखकर प्रतीत होता है कि हाँ, विशेष ज़रूर पूरी होती हैं। इसी के साथ आप सब से आज के लिए विदा लेते हुए, यहीं ब्लॉग को समाप्त करते हुए, धन्यवाद।